सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक्सचेंज, इंडिया का नंबर वन एक्सचेंज जो वजीरेक्स था, अभी दूसरे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में आ चुका है, लेकिन नीचे से। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, 254 यहाँ पे टोटल एक्सचेंजेस हैं, लास्ट में पावर ट्रेड है और उसके ऊपर है वजीरेक्स, जिनका दोनों का ट्रेडिंग वॉल्यूम $0 के आसपास है। यानी कि इतना अच्छा एक्सचेंज जो था अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसका रीज़न आप जानते हैं कि हैक हुआ, वो हैक अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि किसने किया, क्योंकि जिसमें मटीसिक वॉलेट से वो सारे के सारे किसके पास थे, वजीरेक्स की टीम के पास थे और एक कस्टोडियन के पास था। तो आखिर में जो अभी ऑप्शन बचा है वो रीस्ट्रक्चरिंग का बचा है, जिसकी जानकारी मैं आपको आज के दिन देने वाला हूँ। तो शायद आप भी बार बार चेक कर रहे होंगे कि आपका INR अमाउंट वापस मिला या नहीं मिला, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में आपका जो अमाउंट पड़ा था वो आपको मिला या नहीं मिला, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है और बुल रन आप भी मिस कर रहे हैं। यही एक ऐसा समय था जब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ट्रेड करके अपना एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, जो हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, यानी कि सालों साल से वेट कर रहे थे। लेकिन हमारी किस्मत बहुत बुरी है कि हमारा जो अमाउंट पड़ा था वो INR और क्रिप्टो दोनों में वजीरेक्स के ऊपर ही पड़ा था, और दोनों के दोनों ही हमें वापस नहीं मिल रहे हैं। क्रिप्टो तो हैक हो गया और जो INR था वो कंपनी यूज़ कर रही है अपनी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, अपने लीगल लॉसूट के लिए, जो हमें वापस अभी नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देख रहे ना, चैनल पर पहली बार है तो वॉर्फेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल कर लो, वॉर्फेयर ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो एक्सचेंज के ऊपर अभी अगर आप जाओगे तो अभी भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी 18 तारीख जो सातों महीने की, तब से लेकर अभी तक सिर्फ यही बातें चल रही हैं कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ वापस मिलेगा। थोड़ा बहुत INR अमाउंट इन्होंने दे दिया, लेकिन ना तो INR पूरा अमाउंट मिला है और ना ही क्रिप्टो मिला है। तो अभी क्या है कि COC बनने वाला है, यानी कि कंपनी के पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है कि रीस्ट्रक्चर करना। तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो कि ज़ेटाई कंपनी है, ज़ेटाई कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी ऑफ क्रिएटर्स, जो कि क्रिएटर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग में भी इनका डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे COC का पर्पस क्या है, तो इनका सिर्फ यही है कि कंसल्टेटिव बॉडी बनेगी जो कि फीडबैक्स देने वाली, यानी कि जो भी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चलता रहेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये अपडेट्स देने वाले हैं, या फिर अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स देने वाले हैं, आइडियाज़ देने वाले हैं। और इनको सेलेक्ट किया जाएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें क्या है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही किया जाएगा, जो कि क्रिएटर्स के पूल्स के बेसिस पर होने वाला है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं COC मेंबर्स की। तो बाकी जितने भी क्रिएटर्स होने वाले हैं उनको ये रिप्रेजेंट करेंगे, मीटिंग्स अटेंड करने वाले हैं, और जो भी अपडेट्स होने वाली हैं वो शायद हमें अपडेट शेयर भी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना रखी जाए, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हमें अपडेट्स इनकी तरफ से मिल सकती हैं। तो अगेन वंस अगेन यहाँ पे जो ट्वीट आया है इसके नीचे कोई भी पब्लिक कमेंट नहीं कर सकती, यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन ही बंद किया गया। जितने भी पिछले ट्वीट्स आए हैं सबके ऊपर कमेंट का ऑप्शन बंद हो चुका है, तो जो पब्लिक है पब्लिक अपनी आवाज़ अभी नहीं उठा सकती, आवाज़ सिर्फ आप ही उठा सकते हैं अगर आप यहाँ पे नीचे कमेंट करते हो। जितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितना ज़्यादा वीडियो चलेगा सभी तक पहुँचेगा, तो शायद हमारी आवाज़ वजीरेक्स तक भी पहुँचेगी कि हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे कि हमारा पैसा अभी वापस चाहिए, क्योंकि बुल रन आ चुका है, बुल रन में हमने भी पैसा कमाना और वो भी अपने ही पैसे से, हम कोई वजीरेक्स से उनका पैसा नहीं मांग रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कमेटी के मेंबर्स होने वाले हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली, सबकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखने वाले हैं, लेकिन मेंबर्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब ये सिंगापुर कोर्ट में आएंगे। तो यहाँ पे जो भी क्रिएटर्स बनने वाले हैं कमेटी के, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे टोटल 10 मेंबर्स लगभग होने वाले हैं, तो इनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या होने वाला है। तो मॉनिटरिंग प्रोसेस ये देखने वाले हैं कि अभी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँच चुका है, इसके ऊपर इनके पास अपडेट हमेशा रहने वाली है। ये फीडबैक भी देने वाले हैं क्रिएटर्स के प्रेफरेंस के ऊपर, प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर। हालांकि इस वक्त तो सबसे बड़ा फीडबैक यही है कि जो पब्लिक है पब्लिक यही चाहती है, वजीरेक्स के यूज़र्स यही चाहते हैं कि उनको उनके फंड्स वापस एनी हाउ किए जाएँ। तो यहाँ पर जो COC मेंबर्स रहने वाले हैं इनके पास भी वोटिंग राइट्स रहेंगे, और ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग में, और ये रेगुलर COC की मीटिंग्स अटेंड करने वाले हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे बताया गया, तो ये बिल्कुल सिमिलर सही रहता है सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें इंटीग्रिटी ऑनेस्टी रहता है, यानी कि जो फैक्ट्स एंड सिचुएशन है उसको मिस रिप्रेजेंट ना किया जाए, और कंपनी के साथ एडवाइजर्स का इनके साथ इंटीग्रिटी बनाए रखना, ऑब्जेक्टिविटी एक ही रहनी चाहिए कि क्रिएटर्स का इंटरेस्ट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, यानी कि जो भी डिसीजंस आते हैं जो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करी जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉपरेशन, प्रोफेशनल कंपेटर्स, तो ये सब कुछ दिया गया है। लेकिन ये हमारे लिए इतना कोई मायने नहीं रखने वाला, हमें सिर्फ इतना पता है कि COC चाहे बने या ना बने उससे पहले भी ऐसे चल रहा था, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक हम तक नहीं पहुंची थी। अब सीधी सीधी बात यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये वही हो रहा है जो FTX के साथ हुआ था, यानी कि FTX एक्सचेंज के साथ हुआ था, उनके क्रेडिटर्स की अभी बात करी जा रही है, क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट मिलने वाला है, जो कि हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में मिलेगा।
सिमिलरली ऐसा ही और भी एक्सचेंजेस के साथ हुआ है, बिट बीएनएस के साथ हुआ है, इस वक्त वजीरेक्स के साथ हो रहा है, यानी कि वजीरेक्स में भी हमें इतना हमारा जो पैसा है वो वापस नहीं मिलने वाला, कई साल लग जाएंगे, शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हमारा जो आईएनआर है वो गया, वो लग गया, तो जो क्लेम्स मिलने वाले हैं वो थोड़े थोड़े करके मिलेंगे और वो भी क्रेडिटर्स को मिलने वाले हैं, और जो ट्रेडर्स हैं उनको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक्सचेंज ऐसा मान लो कि टोटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीओसी फॉर्मेशन मेथडोलॉजी इन्होंने बताई है कि इसके बेसिस पर यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग भी जो होने वाली है, जिससे क्या है कि जो क्रेडिटर्स हैं इनको भी अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो 10 सेपरेट ट्रेंचेस बनाने वाले हैं जो 10% ईच होने वाले हैं, तो स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट क्लेम्स तक यहाँ पे ये देने वाले हैं, तो टोटल जो अमाउंट यहाँ पे रहने वाले $546 मिलियन रहेगा। तो यहाँ पे ईच ट्रांच के साथ क्या है कि 1% क्रेडिटर्स का बनाया जाएगा, एक कंटिंजेंट क्रेडिटर पूल बनाया जाएगा जिसमें 1% दिया जाएगा। तो ये मैं आपको सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताता हूँ तब भी आपको ये इतना समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये सारी की सारी बात हो रही है किनकी, ये सिर्फ क्रेडिटर्स की बात हो रही है जिसमें ये 10 मेंबर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं और उनका 1% की बात करी जा रही है जो कि कंटिंजेंट क्रेडिटर्स पूल रहने वाले हैं। अब इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़े क्रेडिटर्स हैं उनको यहाँ पे ये इन्वॉल्व किया जाएगा, इन्वॉल्व करके क्या है कि उनको किसी ना किसी तरीके से चुप करा दिया, यानी कि उनको तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट वापस मिलता रहेगा, लेकिन जो नीचे हम जैसे जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, यानी कि हमारा अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे अगर हम कंटिंजेंट क्रेडिटर पूल की भी बात करें, ये भी यहाँ पे दो जो प्रोसेस है दो फेजेस में होने वाले हैं, पहले एक फेज होगा और फिर दूसरा फेज होगा। तो यहाँ पे अभी ये क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर तक उनको सिलेक्ट करने वाले, फिर फेज टू शुरू होगा जो कि 8 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि ये कुछ चल रहा है लेकिन सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए चल रहा है। अगर मैं मेन फायदे की बात करूँ जो होने वाला है वो सिर्फ यही है कि इनसे डिसीजन लिया जाएगा, पूरी कंसल्टेंसी होने वाली है जिसके बेसिस पर, फीडबैक्स के बेसिस पर रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी। अब क्योंकि क्रेडिटर्स वही हैं जिनका सबसे बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इनका डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में इनसे डिसीजंस ले जाएंगे, यानी कि इनको भी ऐसा लगेगा कि शायद वजीरेक्स हमारी ही कंपनी है, इसमें हम बड़े डिसीजंस ले रहे हैं या फिर इसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन ये कोई बहुत छोटा मोटा कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है रीस्ट्रक्चरिंग करना, और ज़्यादातर कंपनीज तो डिक्लेयर ये भी कर देती है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक वजीरेक्स ने बैंकक्रप्ट तो नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन इनको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखाया था कि 1:1 के रेशियो के हिसाब से इनके पास एसेट्स पड़े हैं, यानी कि 1:1 के कोलैटरल में इनके पास एसेट्स पड़े थे जो कि इनको साथ के साथ सबको वापस कर देने चाहिए थे, जो कि अभी तक नहीं किए गए। अब इस यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है क्रेडिटर्स की कमेटी बनाने का या फिर रिस्ट्रक्चरिंग का, ये सब तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहला काम इनको सिर्फ यही करना चाहिए था, जो हैक्ड अमाउंट है वो वापस किसी तरीके से लाना चाहिए, नहीं भी लाते तो हमारा जो पैसा वो वापस मिलना चाहिए। और ये जो सामने प्रोसेस दिख रहे हैं ये प्रोसेस तो ऐसे चलते रहेंगे, सालों साल तक चलते रहेंगे, इसमें कोई हमें सब बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है अनटिल अनलेस रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो जाती या फिर एक्सचेंज के ऊपर हमारा पैसा वापस दिखना शुरू नहीं हो जाता। तो आपका क्या मानना है वजीरेक्स के बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो वजीरेक्स यूज़ करते थे, और इसी के साथ हमारा चैनल वॉल्फ ट्रेड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।